क्या करें, कुछ ज़्यादा ही बिजी स्केड्यूल है। और ये देखो गाइस, फ्लाइट आ रही है जब बढ़ गई तो गाइस, आज मैं और पोषण आ चुके हैं और पोषण मेरे को लेके आया है ननखड़ी लेक के पास। क्या बोलता है पोषण? अरे हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। और बंदे हमारे को भाई पीछे ऐसा सोच रहे थे कि हम बिहार से हैं, उनको नहीं पता था हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट सोलन से हैं। हाँ, नीचे को बद्दी आ थोड़ा बिहारी एरिया पड़ जाता है, लेकिन हम थोड़े से ऊपर गए। बंदे भाई हैरान हो गए नीचे देख के कि ये बिहारी आए कहाँ से। ये चेक करो गाइस, ये है श्री दुधिया नागदेव झील ननखड़ी। गाइस बहुत बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे। और हमारा टूर गाइड साइड में बैठा है, तो इसके तो भाई 12 बजे ही रहते हैं 24 घंटे। भाई बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, वेदर चेक करो गाइस आप, इतना सुहाना मौसम और ऊपर से ये व्यू। बाकी भाई मैं निःशब्द हूँ, आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक तो गाइस इतना प्यारा व्यू ऊपर से, ये इतना प्यारा मौसम, मतलब शोभा में 4 चांद लगा दे रहे। एक चीज़ और है गाइस, जब आप यहाँ लेक के पास आओगे और इसके जो सराउंडिंग एरिया है ना गाइस, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है और पीसफुल एरिया बिल्कुल। और देखो गाइस, आप खुद चेक करो कितना अच्छा और कितना शानदार प्यारा एरिया है यहाँ पे इसके सराउंडिंग में। बाकी गाइस व्लॉग आजकल आ नहीं पा रहे, उसका रीज़न मैं खुद भी नहीं जानता क्या है। बाकी ऐसे कहीं आजकल अरे परे कहीं जाने का टाइम भी नहीं लगता, टाइम तो खैर पहले भी नहीं लगता था, पर क्या करें, कुछ ज़्यादा ही बिजी स्केड्यूल है। और ये देखो गाइस, फ्लाइट आ रही है जब बढ़ गई राइट गाइज, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल लेक एंड वी आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइज यहाँ आके, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते हम। बाकी गाइज बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है कि नहीं? जी बिल्कुल, और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यहाँ गाइज सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे आता जाता भी नहीं है, और आप मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो भी शांत जगह में रहना पसंद करता है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, बेस्ट जगह है बेस्ट। तो गाइज आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग था और इसको हम यहीं एंड करते हैं। उधर को बर्फ़ है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो बंद होगी है, दिखना ही बंद होगी है, बिल्कुल ही दिखना बंद है। कैमरे में तो क्या दिखेगी, हमसे भी नहीं दिख रही है कुछ, वैसे हल्की हल्की विजिबिलिटी मतलब कम है, धुंध है थोड़ी थोड़ी,
तो दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि डोडरा क्वार हो गया, डोडरा क्वार की गाइस बैक साइड हाँ, डोडरा क्वार की चितकुल वगैरह की बैक साइड दिखाई दे रही है सामने। और गाइस और हम वापिस जा रहे हैं और पता नहीं ब्लॉग कब तक आएगा कब तक नहीं, मैं डालूंगा अभी या नहीं। और अगले ब्लॉग्स के लिए बिल्कुल तेल मालिश खुशबू करके तैयार रहे, क्योंकि वो पता नहीं कब आ रहा है, पता नहीं कब आ रहा है, भी नहीं मालूम। मेरे को खुद भी मालूम नहीं कि कब आएगा कब नहीं। अब जो है ना गाइस नहीं डलेगा, लेकिन लेजीनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है और चाओ ही मर गया है। जब तक आप लोग गाइस सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तब तक मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आप लोगों का काम बनता है गाइस सब्सक्राइब करना, तब आएगा जब इसके 1 मिलियन हो जाएंगे। कोई नहीं गाइस, दस बीस जन्म के बाद मिलते हैं जब आप लोग 1 मिलियन करा दोगे। सचिन ठाकुर वाइट को सबसे ज्यादा तो मेरे को अपना पासवर्ड वगैरह याद रखना पड़ेगा जीमेल का, जो 10-20 जन्म लेने के बाद मैं उसको दोबारा लॉग इन कर सकूँ। तो 1 मिलियन करा दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 मिलियन इसके सब्सक्राइबर करा दीजिए, आपको ना ऐसे नए मोटे से मोटे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार जबरदस्त। तो वहाँ डोडरा कवार चितकुज वगैरह जो दिख रहा है आपसे नहीं दिखेगा गाइस, हमसे भी नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई बाकी गाइस वहाँ जाके बनाएंगे गाइस। हाँ वो बनाएंगे। बाकी गाइस जो जंगल का इलाका है ना यहाँ पे, और ऐसे ऐसे कुछ एरिया बहुत शानदार बहुत लाजवाब, बस क्या बोलेगा इस शब्दों से बयान नहीं कर सकते हम। तो क्या ना जो हम महसूस कर रहे हैं इस टाइम इतना अच्छा, वो हमें ही मालूम है गाइस। तो गाइस ठीक है, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, सो स्टे ट्यून्ड।